अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको पुश बटन के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। ये सिंगल पुश बटन है, इससे हम इसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। और एक जो इसमें चीज़ है वो है लाइट। जो आम नॉर्मल सादा पुश बटन होता है उसमें कुछ में लाइट होती है, कुछ में लाइट नहीं होती। इसमें भी लाइट है, कुछ लाइट के बगैर भी मिल जाता है मार्केट में। तो सबसे पहले मैं आपको इसके जो पॉइंट हैं अब वो बता देता हूँ कि कैसे काम करेंगे। ये देखिए, इसके टोटल 6 पॉइंट हैं। ये जिस साइड पे ग्रीन वाला साइन है इस पे देखें, अगर मैं दोनों पॉइंट्स को आपस में कंटिन्यूटी चेक करता हूँ मीटर से इसकी, यहाँ पे बीप शो नहीं कर रहा, यानी कि ये दोनों पॉइंट आपस में नॉर्मली ओपन है। इसी तरह ये जो रेड वाला साइन आपको नज़र आ रहा है इस साइड पे, इन दोनों पॉइंट्स को मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है ये, इसका मतलब है ये जो दोनों पॉइंट हैं ये आपस में नॉर्मली क्लोज है। और सेंटर वाले जो दो पॉइंट हैं इस पर कोई कंटिन्यूटी शो नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो लाइट्स के लिए हैं। जो इसके अंदर लाइट लगी हुई है, जब इन दो पॉइंट्स पे हम 220 इनपुट देंगे तो हमारी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो मैं आपको चेक करवा के बताता हूँ इसका। ये देखिए, मैंने 220 ले ली है। जो इसके सेंटर वाले दो पॉइंट हैं वहाँ पर मैं इसकी 220 दे रहा हूँ, तो ये देखें आप, इसके अंदर लाइट जो है वो ऑन हो रही है। तो सबसे पहले आपको इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसको किस चीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं। बेस साइज़ के बारे में बताऊंगा कि इसका कौन से पॉइंट के साथ शॉर्ट होता है या नहीं शॉर्ट होता, और ये कैसे काम करेगी। ये देखें, हम मीटर से इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसके पॉइंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये इसकी नंबरिंग है। इसका कोई भी पॉइंट किसी भी पॉइंट के साथ शॉर्ट नहीं होता, ये सारे पॉइंट जो हैं वो इलाहदा हैं। ये इसके 8 पॉइंट हैं और यहाँ पे इसकी 8 पिने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब बताइए, पिने जो हैं हर पॉइंट के साथ कनेक्ट होती हैं। तो ये आगे कैसे काम करेगा, इसके ऊपर हम रिले भी लगा सकते हैं, टाइमर भी लगा सकते हैं, जो चीज़ भी हमें चाहिए उसको लगा सकते हैं। तो जब इसको हम टाइमर को जो है वो इनपुट देनी है, ये देखें, ये इसके ऊपर सर्किट डायग्राम बनी हुई है। इसके ऊपर जो इसका पॉइंट नंबर 2 और 7 है, 2 और 7 के ऊपर हमने इसको एसी देनी है 220। पॉइंट नंबर 2 और 7 के ऊपर इनपुट हमने 220 देनी है। तो इसके जो पॉइंट है, जैसा कि पॉइंट नंबर 8 और 5 है, ये जो है वो नॉर्मली आपस में क्लोज है, लेकिन जैसे ये टाइमर ऑन होगा तो नॉर्मली क्लोज से ख़त्म होके ये ओपन हो जाएंगे पॉइंट। तो इसमें जो हमने यूज़ करना है उसको ऐसे यूज़ करना है। तो चले आए, मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि हमने कैसे इसकी कनेक्शन करना है। ये पॉइंट 2 और 7 के जो हैं वो स्क्रू यूज़ कर रहा हूँ। एक साइड पे मैंने स्क्रू दे दिए, और एक साइड पे न्यूट्रल। सिंपल, अगर हम ये देखें इसका टाइमर लगाते हैं, और इसको पावर देते हैं, ये देखें, जैसे मैंने इसको इनपुट दिया तो ये ऑन हो गया, क्योंकि इसके ऊपर टाइम जो है वो 0 सेकंड्स तक था। इसी तरह मैं जो है इसको ऊपर 10 सेकंड्स तक कर लेता हूँ, और दोबारा इनको ऑफ करके दोबारा इसको इनपुट दे देता हूँ। ये देखिए, इनपुट यहाँ पे हमने दिया है, तो इसका ऑन की जो लाइट है वो ऑन हो गई है। उसके बाद अप वाला भी टाइमर जो है वो हमारा काम करना स्टार्ट इसने नहीं किया इतने सेकंड के बाद। ये देखें, 10 सेकंड के बाद इसने काम करना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करवाता हूँ। ये देखें, जो यहाँ पर पिन नंबर जो है वो 1 और 8 है, और इधर 3, 4, 5 और 6। टाइमर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ विदाउट पावर। ये देखें, यहाँ से मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे जो पिन नंबर इसकी 8 है उसके ऊपर, और इधर से पिन नंबर जो है 6 नंबर पिन और 5 नंबर पिन। ये देखें, 5 नंबर पिन पे जब मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करता हूँ तो यहाँ पे ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, यानी कि पिन नंबर 8 और पिन नंबर 5 ये विदाउट पावर
आपस में नॉर्मली क्लोज है। अब मैं इसको यहाँ पे पावर देता हूँ, ये देखें अभी ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। हमारी कंटिन्यूटी इसका टाइम मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, ये देखें यहाँ पे कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा। अब दोबारा मैं पावर उतार के दोबारा देता हूँ, ये देखें जितने सेकंड हमने टाइम सेट किया हुआ है अभी ये शो कर रहा है कंटिन्यूटी, और जैसे ये ऑन होगा तो ये पॉइंट जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। और ये देखिए 8 और नंबर 6 नंबर पिन, अब ये जो 6 नंबर पिन है ये आपस में इसके साथ क्लोज हो गई है। तो अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसी है जो टाइम बेस पे चलानी है कि इतने टाइम के बाद वो ऑफ हो जाए, तो आप उसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आप चाहते हैं कि इतने टाइम के बाद वो चीज़ ऑन हो, तो आप इसको पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 5 के साथ कनेक्ट करेंगे तो जितने टाइम बेस पे आपने उसको चीज़ को ऑन करना है कि इतने टाइम के बाद वो ऑफ हो जाए, तो आपने पिन नंबर 8 और 5 यूज़ करनी है। अगर चाहते हैं कि इतने टाइम के बाद वो चीज़ ऑन हो जाए, तो आपने पिन नंबर 8 और 6 यूज़ करनी है। अच्छा, अब मैं आपको मैग्नेट कॉन्टैक्टर का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। ये देखें इसके एक साइड पे 3 पॉइंट है, दूसरी साइड पे भी 3 पॉइंट है, ये साइड पे भी 2 पॉइंट ऊपर हैं, 2 पॉइंट नीचे हैं, और ये इसके 2 पॉइंट यहाँ पे हैं। इसके ऊपर A1 और A2 लिखा हुआ है। अब सबसे पहले मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करवा देता हूँ आपको कि कौन सा पॉइंट, ये तीनों जो इसके पॉइंट हैं ये आपस में क्लोज नहीं है, ये ओपन है, ये आपस में कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहे। इसी तरह ये जो पॉइंट हैं ये आपस में नॉर्मली क्लोज हैं, और जो नीचे वाले जो पॉइंट हैं दो ये नॉर्मली ओपन है। जब ये कॉन्टैक्ट आपस में कनेक्ट होगा, मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा, तो ये ऊपर वाले नॉर्मली ओपन हो जाएंगे और नीचे वाले नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे। ये वाले दो जो पॉइंट हैं ये इसके इनपुट के पॉइंट हैं, यहाँ पर हमने 220 देनी है। तो मैं आपको 220 यहाँ पर देख के बता देता हूँ ये कैसे काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने 220 ले लिया, जैसे मैं इसको 220 दूंगा ये ऐसे ऑपरेट होगा, और ये वाले जो आप इसके पॉइंट हैं आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। आपने जब भी ऐसा कोई काम करना है तो आप सीरीज बोर्ड लगा लें, सीरीज बोर्ड लगा के ऐसा काम करें ताकि कोई वायर वगैरह अगर आपकी शॉर्ट हो भी जाए तो ख़तरा ना हो। ये देखें मीटर मैंने लगा लिया है, मैग्नो कंडक्टर जो है वो ऑन है। आप हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं पॉइंटों की। ये देखें ये आपस में ये भी आपस में कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ये देखें ये भी आपस में कंटिन्यूटी शो कर रहा है, यानी कि तीनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अब ये जो नॉर्मली क्लोज था ये ओपन हो गया, और ये नॉर्मली ओपन था ये क्लोज हो गया, ये इसके पॉइंट है। आप जैसे भी हमने इनको कनेक्ट करना है तो हम उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास 4 चीज़ें हो गई है, स्विच हो गया, एक टाइमर है, एक इसकी बेस है, और एक हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर है।